अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू माय अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम पे सिक्स सेमेस्टर में आके हुआ है जुल्म, ठीक है। सो हमें जो है वो इतनी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है। इस वक्त 7 बज रहे हैं और हमारी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कॉन्टीन्यूसली क्लास है, ठीक है। सो अभी हमें जल्दी से यूनिवर्सिटी जाना है और उस क्लास को लेना है। तो गाइज़ आप देखें कितनी प्यारी प्यारी जो है वो सुबह का सूरज निकल रहा है, ठीक है। और मैंने इतने अरसे बाद जो है वो सूरज देखे इस तरह से सुबह सुबह जो निकलता है, ठीक है। सो बहुत अच्छी ये रोशनी पड़ रही है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और यूनिवर्सिटी पहुँच। आप देख सकते हैं निमरा सुबह सुबह आके बाल सेट करी है, ठीक है। उन्होंने यहीं पे आके मुंह धोया, वो घर से मुंह धो के नहीं आई थी, ठीक है। और एक तो वो आई भी बहुत लेट है, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको आज सुबह की क्लास लेके कैसा लग रहा है। बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे आज सुबह की क्लास में आके, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई भी, दूसरा मैं नाश्ता भी नहीं करके आई। आपको पता है मुझे कितनी भूख लगती है। मतलब कि इनकी मर्जी है कि अभी सुबह 9 बजे हम इन्हें नाश्ता कराएं, ठीक है। तो खिलाते हैं, ठीक है, ताकि इनमें एनर्जी आए। वैसे भी जब पहली क्लास एंड हो रही है तो ये उसको की तशरीफ लाई है, फिर आके इन्होंने मुंह धोया, गंगा किया, तो अब ये नाश्ता करेंगे। ये सारा काम इन्होंने सोच लिया कि अब 6 सेमेस्टर का स्केड्यूल ऐसा है तो ये यूनिवर्सिटी में अपना डेरा लगा देंगे। मैं आपको निमरा का दुख सुनाती हूँ, ठीक है। एक दिन हम तो बहुत प्यारी सुबह सुबह धूप लगी हुई है, धूप में जाओ धूप में। मैं बताती हूँ दुख असल में ये है कि निमरा जो है वो घर से अपने से भी बड़ा साइज का दुपट्टा लेके आई है। बता रही किसका लेके आई थी? एकदम मैंने पहली दफा वो पहना तो वो इतने बड़े था कि मेरे इतना तो बड़ा जा रहा है तो मैं खुद गिर रही थी। और इतने बड़े दुपट्टे में निमरा डूब गई थी, ठीक है। फिर उन्होंने दुपट्टा उतार के फेंक दिया, क्योंकि अगर वो दुपट्टा पहन के चलती तो उनके गिरने का अंदेशा था हमें, ठीक है। वो कहीं अपना मुँह दांत वगैरह तोड़ के बैठ जाती। तो ये हर वक्त भूख की बातें करती है, तो इन्हें कुछ खिला लें, फिर उसके बाद कोई हम बात करें। और आप नीला थोता खा लें, देखो मेरी आंखें सूजी हुई, ये निशानी है कि मैं अपनी नींद कुर्बान करके आई। बिल्कुल, ये आपको निमरा अपनी स्टोरी सुना रही है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, नाश्ता भी यहीं करती हैं। और कल से निमरा अपना बोरिया बिस्तरा यानी कि कपड़े शपड़े और कंबल वगैरह सब यहीं ले आएंगी, कॉमन रूम में सो जाऊंगी। गाइस हम लोग क्लास लेकर फ्री हो चुकी हैं और यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कभी नहीं आज हम पहली दफ़ा इस तरह मॉर्निंग वालों के साथ बैठे हुए हैं। और ना जिस क्लास में मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, आज ना हम वो क्या कौन सा सेक्शन था वो, हाँ सी, आज हम लोग सी सेक्शन के साथ HRM की क्लास ले रहे थे और वो लोग हमें इतनी घूरियाँ मार मार के देख रहे थे, इतनी घूरियाँ मार मार के। और हम लोगों की क्लास में असल में कीड़ा बहुत है ना, ठीक है, मुझ समेत हम लोग बहुत बोलते हैं क्लास में, तो वो ज़रा लाइक बच्चे हैं, उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो हम लोग बहुत बोल रही थी तो वो हमें घूरियाँ मार रही थी। उस क्लास की लड़कियाँ वो इस तरह मार रही थी, देखें निमरा कैसे कर रही थी, गुड़ियाँ कैसे कर रही थी मामे पता नहीं। तो मैंने तो उनको नोट ही नहीं किया, यू नो लोग को लिफ्ट नहीं कराती बिल्कुल भी। और अगर उन्होंने हमारा व्लॉग देख लिया तो कल से वो हमें और गुड़ियाँ। सो गाइस हम आपको दिखाते हैं कि गलती से हमारी यूनिवर्सिटी की एक अदद बस भी है, ठीक है, जिसमें ये यूनिवर्सिटी वाले हमें कहीं नहीं लेके आते जाते, ठीक है, हम बेचारे लोकली धक्के खाते आते हैं। सो अभी मैं और निमरा जो हैं वो जा रही हैं मेन कैंपस, थोड़ी देर धूप लगाती हैं, फिर उसके बाद हम अपने फेवरेट KFC जाएंगे। तो गाइस मैं और मेरी सहेली इस वक्त मेन कैंपस में आए हुए हैं और हम लोग जिम जा रही हैं, ठीक है। आज निमरा कह रही है उसने जिम देखनी है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में डंगर डॉक्टर वाला सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, सो यहाँ पर बहुत सारे डंगर डॉक्टर्स भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज मैंने अपनी सहेली का ख्वाब पूरा किया और मैं उसको जिम में लेके आ चुकी हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको वो कैसे पागल हो चुकी है यहाँ पे आते। गाइज ये देखिए इनके शीशों का क्या हशर है, ऐसे लग रहा है पेंटिंग हुई है यहाँ। सर इमरा आपके स्टोर पे इस जिम में आके कैसा लगा? बहुत बुरा, तो आपको बहुत शौक था इस जिम मुझे जाना है वापस। जी तो हम वापस जा रहे हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये अपनी यूनी की जिम। गाइज मैं और निमरा आज इंगेज हो रहे हैं आपस में, ठीक है, डोंट टेक इट रॉन्ग, ओके, इट्स जस्ट फॉर फन, ओके, रिंग पहनाना चाह रहे हैं, ओके प्लीज पहना लीजिए, जल्दी करिए ना।
सो गाइस छोड़िए ना, हाथ छोड़िए गाइस, ये देखिए प्रेम जी ने मुझे रिंग पहनाई है गाइस। लेकिन अब प्रेम जी आपने रिंग उल्टी पहनाई है, ये आपने ऐसे कर दिया, इसको ठीक कीजिए ना। कॉस्मेटिक्स ये देखिए, ज्वेलरी का इतना पता नहीं है। सो असल में ये है ना कि हम बहुत वेली हैं आज, तो एक बजे तक हमने यहीं बैठना है। तो ये दरख्त एक है, उसके नीचे हम ऐसे करके, छोटे से दरख्त है उसके नीचे हम बैठी हुई हैं, और यहाँ पे बाकी साइडों पे कपल्स हैं, तो हमने डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने इंगेजमेंट वाली रिंग का सेरेमनी जो है वो भी की है। तो अब हम दोनों जो है वो ये इससे पेट पूजा करेंगे। हमने लिया 60 रुपये का पैकेज, ठीक है, देख रहे हैं आप इसको, और इसके अंदर आप देखें कितने से, 10 भी नहीं, इतने से, ठीक है, ये 10 रुपये के भी नहीं है, इतना बिग वाला चूना लगा है हमें, सही से दिखाते हैं, चेक कितना बड़ा चूना लगा है हमें। मैं और मेरी दोस्त अब जा रहे हैं, ठीक है, KFC, क्योंकि हम दोनों का बीपी बहुत लोअर है, दिन ब दिन हम लोग बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हैं, खा खा के भी, ठीक है, आप देखते ही होंगे कि हम कितना खाती हैं, लेकिन फिर भी अभी बीपी बहुत लोअर है, तो हम KFC चलते हैं, फिर वहाँ से घर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं KFC, क्योंकि हमारा बीपी बहुत लोअर है, लेकिन असल में ये है कि हम KFC खाने के बाद और ज़्यादा में नींद आ जाती है, शायद वो हमें फंक डाल के देते हैं। तो अभी हम कुछ खाएं, एनर्जी आए, तो फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करेंगे बल्कि एंड करेंगे, क्योंकि हमें घर जाना है और सोना है, हम सुबह जल्दी भी उठे। गाइस हमने ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन आज KFC ने किया कुछ नया। तो KFC वाले आज कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ये दिया है 12 टेबल पे, वो हमें खुद आज खाना सर्व करेंगे, हमें लाइन में नहीं खड़ा होना, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। पहली दफ़ा हमें KFC देखिए मुझे, पहली दफ़ा KFC ने हमें इज्जत दी है। टूट जाती है, ये क्या कर रही हैं बच्चियाँ, खेल रहे हैं क्या? आई निम्रा कांच से बाहर आ रही हैं गाइस, अब क्या ये भी पेप्सी कर इतने बदतमीज उनके सामने मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि पहली दफ़ा KFC ने निम्रा को इज्जत से खाना दिया, तो निम्रा औकात से बाहर हो गई, ठीक है, वो कह रही हैं कि भाई मुझे ये वाली ड्रिंक नहीं पीनी, मुझे ये वाली पीनी है, आगे पीछे इन्हें जो भी मिले ये खा पी लेती थी, ज़्यादा शोफी हो गई थी, ठीक है। गाइस हमें आज खा पी के थोड़ी जान आ गई है, ठीक है, आज हमें खाने के बाद नींद नहीं आई, सो अब जो है वो हम लोग आज के इस व्लॉग को एंड करेंगे, और फिर सैटरडे संडे हम लोग रेस्ट करेंगे, कोई व्लॉग नहीं होगा, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपका बहुत एहसान होगा, और अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स कर दिया करें, बिल्कुल आपके हाथ में दर्द नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।